तो इनका ये था कि जो पति पत्नी के आपस का संबंध होता है ये हमारे साथ ज़बरदस्ती होता था, हमें बांध कर होता था, हमें नशे में करके होता था। तो ये बताइए क्या ये सही है? और एक ही नहीं, ये भी नहीं कि सेकंड, दो सेकंड या एक घंटा, ये कौन सा बात है? अरे कितनी एनर्जी आपके अंदर थी, ऐसी एनर्जी तो हमने कहीं नहीं देखी। पूरी रात इस तरह से हमारे साथ करना, हमें दुख देना, हमें दर्द देना, और उसके बाद खड़ा ना होने रहने देना, ये क्या था? साथ ऐसा कुछ बर्ताव प्रिंस करते थे तो क्या हमदर्दी सिर्फ सुभाष यादव जताते थे, आपकी पूरी टीम में और कोई? ये पूरी टीम जानता था कि लकी किस प्रकार के हैं। कई लोगों ने हमको सलाह दी कि जब आप इसे आपके साथ ऐसा करता है, या आपकी शादी हो कैसे गई, ऐसे आपकी आंखें नहीं थी, ये नहीं था, हम लोगों को क्या जवाब दें? तो उसके बाद फिर उसके बाद ये भी हमसे यही कहते थे कि क्या कहते हैं कि मैडम मिलजुल के रहना ठीक होता है, आप अपना समझ के रहिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, मेरा तो जो कर्तव्य है वो मैं कर ही रहा हूँ, रोक रहा हूँ आप लोगों को, मेरी गाड़ी में लड़ना झगड़ना आप सब कर रहे हैं, और कई बार तो गाड़ी से धक्का भी मुझे लकी दे चुके हैं, इसलिए शायद इनको शक हमेशा रहता था कि नहीं, अपनी जान के देने के पीछे हम हमेशा लगे रहते थे। अच्छा, उसके पहले ये भी आ रहा था कि आपका और इनका नाम, दोनों का नाम जोड़ा जा रहा था कि सुभाष यादव से सपना उपाध्याय का संबंध होते जा रहा है, वो लोग अब एक होने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों में प्यार मोहब्बत है, ऐसा प्रिंस उपाध्याय बताते हैं और कहते हैं कि ये आपको होटल में ले जाते हैं, 10-10 बजे रात तक आप अपने यहाँ आती हैं, ससुराल में अपने घर पर आती हैं, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। यानी पहले से आप लोगों का संबंध था, उनके मुताबिक, आप तो कह रहे हैं कि कुएं में कूदने के बाद ऐसी चीज़ें लगी कि अब हम लोग एक साथ रहें, लेकिन उनके मुताबिक ये था कि आप लोगों का पहले से संबंध था और पहले से ये प्री प्लानिंग थी, आपके मायके वाले भी इस चीज़ को जानते थे और ये सब कुछ सोची समझी चाल थी कि इनके साथ हो जाना है। जैसे ये बराबर लकी को हमारे लिए समझाते थे कि आपकी बीवी है, जब भी वो गाड़ी में मारपीट करते थे या कुछ वगैरह वगैरह करते थे तो ये अक्सर उन्हें समझाया करते थे, तो उनका कहना मैं ये था कि नहीं, ये भी मेरे साथ ही रहें और मेरा ही बोलें और उसी की गलती निकालें, लेकिन ये जो देखेंगे वही तो बताएंगे, जो ये करेंगे वही तो बताएंगे, अब आगे सब यही सोचते होंगे कि क्या हम पति पत्नी के मामले में पड़े, हमें क्या ज़रूरत। लेकिन जानती पूरी टीम हमारी थी कि नहीं लकी कैसा इंसान है। आप दोनों के बीच जो चीज़ें चल रही थी प्रिंस उपाध्याय के मुताबिक, प्रिंस कहते थे कि वो वहाँ जो पूरी टीम रहती थी सबको इस चीज़ के बारे में पता था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं इनसे अक्सर कहती थी भैया हमारी रक्षा ऐसे ही करते रहना, ये पागल है, कब इसका कोई भरोसा नहीं है, हमारे साथ क्या कर दे, हमारे अभी भाई बहन भी हैं, मेरे माँ बाप भी हैं, इसको तो नहीं खलेगा लेकिन उनको हमारी कमी खलेगी। भैया भैया कहते कहते आपने संयम बना लिया, समाज तो अभी यही कहेगा ना कि भैया भैया जिनको कहा, जिनके ऊपर आपके सासू माँ ने भरोसा किया और इनको जिम्मेदारी दे दी भैया के तौर पर, और उसी भैया को आपने सैया बना लिया। कहते हैं कि चाचा चाचा करते करते भतीजियों से भी शादी हो जाती है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, और ये तो बहुत कहीं कहावत है। फिर तो आप उसी श्रेणी में चली गई ना, आपने चाचा भतीजे का अगर एग्जांपल दिया तो फिर तो आप भी उसी श्रेणी में चली गई। हम यही कह रहे हैं कि अगर लोग ये भी कहते हैं अगर कोई चाचा के साथ चला जा रहा है, मामा के साथ चला जा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, वो तो अपनी मर्जी से जा रहा है, लेकिन हम तो एक गलती, हमारी तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि हाँ हम अब उनको भैया ना कहें तो हम क्या कहें, वही कहते थे जो लोग कहते थे, हम तो नाम नहीं लेते थे, हम तो भैया ही कहते थे, भैया बस इतना ध्यान देना, एक दोस्त थे हमारे, दोस्त के तरीके से हो गए थे, हर दुख हर एक सुख हम कुछ नहीं बता पाते लेकिन फिर भी बिना बताने से पहले वो जान जाते थे। आप बताइए अगर आप हमारे का कोई भी हमको बीमारी हो रही है तो हमारे पास 100 रुपया भी नहीं है, 10 रुपये नहीं है मेरे पास दर्द की दवा हम खरीद लें, आप मेरे बगल में बैठे हैं, हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, दर्द से तड़प रहे हैं, तो आप एक अजनबी होकर के भी नहीं कहेंगे नहीं उधार ले लीजिए हमसे, उधार लेकर आप दवा कर लीजिए, फिर भी ऐसी परिस्थितियों में ये काम आते थे, बहुत काम हमारे आते थे, बहुत हमारी मदद करते थे, लेकिन फिर भी हम इनको अक्सर डांटना मारना हमारा ही रहता था, इसके लिए तो हम चाह के भी माफ़ी नहीं मांग सकते कि हम बहुत बुरा व्यवहार इनके साथ करते थे, ड्राइवर समझ के करते थे और एक अहिर समझ के करते थे, अपने आप को पंडित समझ लेते थे तो बहुत ज़्यादा हो जाते थे कि नहीं हम ही बड़े हैं। ऐसी मानसिकता होती है क्या ऐसे लोगों में कि हम एक ब्राह्मण हैं और ये एक अहिर है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, यानी आपकी मानसिकता के लोग हैं समाज में ये माना जाए? जैसे ये कह सकते हैं कि नहीं, होता है ना कि नहीं है, अब इसी समय देख लीजिए हमने इनसे शादी हो गई, लोग कह रहे हैं ना कि आप ब्राह्मण हैं और वो ये हैं वो हैं, तो इसे मेरे अंदर ये था कि नहीं ये था कि ये हैं छोटी जाति के हैं, हमसे छोटी जाति के, तो मैं इनकी कोई इज्जत नहीं करती थी, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, और जिस वक्त वो बात हुई थी, जिस वक्त हमारी जान बचाए थे उस वक्त भी हमको लगा कि नहीं गलत हो गया हमारे साथ, ये ऐसा किए जानबूझकर किए, ये किए वो किए, लेकिन फिर उसके बाद
नहीं तो उन्होंने फिर आपको पता था कि ये शादीशुदा है? बिल्कुल पता था। फिर भी आपने कसमें खा लिया कि हम आपके साथ रहेंगे? हाँ, कसम खाए। इसीलिए आपने कहा नहीं कि आपकी पत्नी, आपकी बीवी, बच्चे हैं, और आपने ये नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी खराब होगी? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब जिस जैसे हम लोग सिचुएशन में थे, बस जैसे हमें सिंदूर पड़ा वैसे तो हमारे को समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। उसीलिए मैंने इन्हें थप्पड़ मारा कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया, कल को पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम आई क्यों, फिर कूदी क्यों, तो ये क्यों। फिर इसके बाद हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये क्या कहते हैं, अब हम बताइए क्या करेंगे, आपकी बीवी बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, कैसे क्या हैंडल करेंगे, वो लोग हमें अपनाएंगे क्या, वो लोग हमारा साथ देंगे? कुएं से निकलने के बाद आप लोग शादी कर लेते हैं? उसी हाँ उसी में थे, उसी में खड़े थे जब इन्होंने मुझे निकाल कर लाए, कहे कि नहीं अच्छा ठीक है पहले बाहर निकलो फिर हम सलूशन बता देते हैं। हम नहीं निकलेंगे, तुम आए क्यों, यहाँ से चले जाओ, हो कौन तुम, वगैरह वगैरह। हम सब इनको उल्टा सीधा कहने लगे, दो थप्पड़ भी मार दिए कुएं में। हाँ, मार दिए, हम कहा चले जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हैं कौन आप, ये अगर आपकी वजह से मुझे इल्ज़ाम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डराना अपना सब इनको बताने लगा, कहने लगी मैं उल्टा सीधा। तो फिर हमने कहा तुम फिर उसी दरिंदे के पास हमको ले जाके छोड़ रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ताक रहे हो, फिर भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। हम इनसे कहते थे कि क्या कहते हैं, आप एक भी वीडियो बना लीजिए, वो कर लीजिए, कहते तो हम क्यों पड़े किसी पति पत्नी के मामले में, कोई भी एक सबूत आप अपनी मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि मेरी मोबाइल नहीं साथ हो पाती थी, तो मेरी मोबाइल तो थी नहीं, प्रिंस उपाध्याय से अटैच थी, हम कोई भी वीडियो रखते थे तो तुरंत हटा दिया करते थे हमारे सोने के बाद, मैं कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उस वक्त भी ये साथ नहीं देते थे, ये कहते थे कि नहीं मेरी दूसरे का मामला है, मैं नहीं इसमें इंटरफेयर करूँगा। हाँ, लकी को समझाना है तो एक लड़का है, मैं उसका समझाने का काम कर सकता हूँ, तो ये समझाने का काम करते थे। एक चीज़ हमको ये बताइए, पति पत्नी के बीच में आमतौर पर कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है, ये आम चीज़ें हैं, सबके परिवार में होती है, तो प्रिंस का कुछ ऐसी चीज़ें रही हों, कुछ ऐसा बर्ताव आपके साथ रहा हो जिसको आपको लगा हो कि वाकई में आपका शोषण हो रहा है, कुछ ऐसा? जैसे कि अब ये बता, मैं एक पत्नी हूँ, एक वो मेरे हस्बैंड है, तो कहते हैं कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाओगे तो उब जाएंगे आप उससे, या अगर एक ही जगह पे आपको बार बार वार किया जाए तो आपको दर्द होगा, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो मैं सीधे सीधे ये बात कहूँगी, बहुत बदनाम कर लिया है आपने, थोड़ा शर्म आ रही है लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी है, कहूँगी नहीं दर्शकों तक मेरी बातें पहुँचेंगी नहीं। तो इनका ये था कि जो पति पत्नी के आपस का संबंध होता है ये हमारे साथ ज़बरदस्ती होता था, हमें बांध कर होता था, हमें नशे में करके होता था। तो ये बताइए क्या ये सही है? और ये कि नहीं, ये भी नहीं कि सेकंड, दो सेकंड या एक घंटा, ये कौन सा बात है? अरे कितनी एनर्जी आपके अंदर थी, ऐसी एनर्जी तो हमने कहीं नहीं देखी। पूरी रात इस तरह से हमारे साथ करना, हमें दुख देना, हमें दर्द देना, और उसके बाद खड़ा ना होने रहने देना, ये क्या था? ना खाना, ना पीना, ना कुछ, किसी चीज़ का ध्यान नहीं, किसी चीज़ का नहीं। अगर 10 रुपये मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो क्या मैं दूसरे से मांगने जाऊंगी? उसके लिए भी मुझे करना, प्रताड़ित करना, माँ बाप को भूलने के लिए कहना, पढ़ाई ना करवाना, हर एक चीज़ करना, मुझे प्रताड़ित करना, मेरे घर वालों को प्रताड़ित करना, मेरे घर वालों को धमकी देना, ऊपर से मेरे भाइयों को उसमें अटैच करना, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? यहाँ तक कि मेरे शहरों में फ़ोन करके हमारे स्कूल की लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को, आप सबको प्यार कर रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ थी? आपका मानसिक शोषण भी हुआ, आपका शारीरिक शोषण भी हुआ, और आप उससे पूरी तरीके से थक चुकी थी, आपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए सोचा, और ज़िंदगी को बचाने के लिए आपकी सुभाष यादव आते हैं, और ये फैसला फिर वहीं से लिया जाता है। ये फैसला हमारा वहीं से हो गया। सुभाष यादव जी, आप ये बताइए हमें, ये सबका सवाल है कि क्या सुभाष यादव को शर्म नहीं आई जिसके पास बीवी बच्चे हों, किसी और बीवी के साथ इतना बड़ा फैसला लेना? सर उस समय हमको बीवी बच्चे नहीं दिखे, जिस हालत में हमारे सामने किसी का दम निकल रहा था तो उस समय बीवी बच्चों को नहीं देखे, उस समय जो हमको अच्छा लगा वो कर लिए। जान बचाना तो ठीक है लेकिन फिर शादी कर लेना किसी की पत्नी? जैसे सर उसमें अगर हम ये लालच नहीं देते तो हो सकता है ये जान दे देती, शादी का लालच दे के और साथ रखने का इनको लालच दे के हम अपने साथ इनको निकाल लाए बाहर, और फिर हम लोग जाके मंदिर में शादी कर लिए। यानी आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि हमने गलत नहीं किया? हाँ, हम गलत नहीं किया, हम यही अंतरात्मा यही कहती है कि हमने गलत, हम गलत नहीं किया, हम किसी का जान बचा दिया, और जान बचाएं तो अभी अपने साथ रखे हैं। बीवी बच्चे आपके वो कैसे रहेंगे? बीवी बच्चों को हम पहले देखेंगे, उसके बाद इनके वो हम देखेंगे। सपना आज आपके साथ हो गई, अपने पति को छोड़कर, चाहे जिस भी मामले में, चाहे जैसे इनके सामने परिस्थिति आई उसको लेकर आपके साथ हो गई, क्या गारंटी है कि सपना फिर आपके साथ रहे? सपना उपाध्याय से सपना यादव बन गई, आगे क्या पता सपना मौर्य बन जाए, सपना चौहान बन जाए, सपना सिंह बन जाए, कुछ बन जाए, क्या गारंटी है आपको? सर गारंटी तो देंगे क्योंकि हम कोर्ट मैरिज किए हैं, गारंटी का कागज हमारे पास है, अगर इस तरह से कोई हरकत या व्यवहार या हम करें या ये करें तो उसके लिए कानून खड़ा है हमारे साथ, फैसला वही होगा।
फैसला तो ये भी होता है कि जैसे ये किसी की पत्नी थी आपके साथ हो गई या किसी और के साथ रहना चाहेंगे तो हो जाएगा, ये तो संविधान में है, ये कानून कहता है कि अगर हमें इनके साथ रहने में आपत्ति है आपके ऊपर भी ये तमाम सारे आरोप लगा दें कि ये किसी और के साथ संबंध में, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो फिर आप सोचेंगे कुछ कि हमने तो फिर गलती की, तब आपको होगा कुछ ऐसा कुछ? तो क्यों, एहसास तो इतना होगा कि जैसे कि कोई हमारा बच्चा छीन लिया या कोई हमारा हम सफ़र हमारे साथ से चला गया, इसका इस चीज़ का तो एहसास बहुत ज़्यादा होगा, इतना हद से ज़्यादा होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। सपना जी आप बताइए, ये अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर, हालांकि ये कह रहे हैं कि हम उनको रखेंगे साथ में पहले वो फिर आप, अगर ये फिर किसी और के साथ चले जाएं आपको छोड़कर, फिर आपकी ज़िंदगी क्या होगी? आपने तो आपकी ज़िंदगी एक बार बचाकर आपको अपने साथ रख लिए, अगर ये चले जाएंगे फिर? हमने जैसे लक्की को अपनी ज़िंदगी शादी करते वक्त सौंपी थी, उसे कहीं ज़्यादा विश्वास और ट्रस्ट करके इनको सौंप के रखी है कि जो करोगे हमारी स्तुति से करना, हमारी मंजूरी से करना, क्योंकि हम तुम्हें लक्की जैसा जैसे बदनाम किया गया वैसे तो हम बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा रहेगी, आपका एहसान है हम पर, कभी नहीं भूलेंगे, हम मर भी जाएंगे तो शायद नहीं भूलेंगे, लेकिन आपका जो प्यार दिया हुआ है उससे तो हम दगाबाजी कभी नहीं कर पाएंगे, उस प्यार को हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए पूरी दुनिया छोड़ी, हमने आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ी, सबसे दुश्मनी पैदा ली, मार खाया, हर एक चीज़ की सहन किया, इतना कोई करने के बाद कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कोई भी होगा, और मैं तो नहीं कभी छोड़ सकती, लेकिन अगर ये बात आप सुभाष यादव जी की कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि मुझे उनके प्यार पे खुद से ज़्यादा यकीन है, मौत आ सकती है, साथ नहीं छूट सकता और ना ही कोई छोड़ सकता है। चलिए, पूरी बातचीत से आप समझ गए होंगे जो प्रिंस उपाध्याय और उनकी माँ यानी इनकी सासू माँ जो पहले थी, उनके जो आरोप थे, अब उस आरोप का जवाब भी जानना था, क्योंकि आरोप तो किसी के ऊपर ऐसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं अगर उससे ना बात की जाए तो ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये आरोप सत्य हैं या फिर क्या है, लेकिन उनका आरोप और इनका जवाब। और मैं थोड़ा प्रिंस की माँ से ये भी कहना चाहूँगी कि आप तो ये बताइए कि आप खुद उस रिलेशनशिप की हैं तो आप किसी औरत पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं, आप तो खुद एक दूसरी बीवी हैं, तो आप किसी भी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, तो आपसे यही कहेंगे जो खुद उस पीढ़ी से मेहनत, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने किस पीड़ा में होकर के चार बच्चों के बाप से शादी की तो आप हमें जवाब क्या देंगी, यही कहेंगी ना कि आपका दर्द बड़ा हो जाएगा हमसे, सॉरी लेकिन आपसे बड़ा दर्द हमारा है, आप तो अपने बेटे के साइड हो गई, आपने जन्मा है तो याद देखिए आपका बेटा सोना है तो मैं भी किसी का सोना हूँ, किसी की माटी धूल नहीं हूँ, आइंदा फिर ऐसा मत कुछ करने की कोशिश करिएगा, आपकी अगर डाइवोर्स की बात है तो आप जहाँ कहिए हम आकर के साइन करने को तैयार हैं, लेकिन मान्यता से, अब मान्यता से नहीं, और फिर कभी भी हमारे पति पर अगर कोई आपत्ति आती है तो हम आप लोग को प्रशासन के साथ ही फिर से मीडिया पर लाएंगे। अच्छा, आपने डाइवोर्स नहीं लिया उनसे? जो डाइवोर्स उन्होंने हमें दिया नहीं और जबरन नहीं, फिर तो ये कानूनी तौर से ये तो गलत है कि अगर बगैर डाइवोर्स दिए किसी और से शादी करना, क्या समाज में शादी होती है तो शादी रखते वक्त कोई कोर्ट खड़ा होता है? कोई कोर्ट नहीं खड़ा होता। तो जब मैं इनके घर गई, इन्होंने कहा हम नहीं देंगे, जाओ जो मर्जी वो करनी, और फरवरी में मेरी बात हो चुकी थी, और वहाँ से जब हम लोग आए थे वापस करके तो सारा संबंध हम तोड़ कर आए थे, 20 नवंबर को सारा संबंध तोड़ कर आए थे, जेवरात पैसे सब कुछ चुरा कर लेकर आए, ये सब कुछ मैं उनके यहाँ देकर आई हूँ, मैं कुछ भी पैसे जेवरात नहीं, ओनली अपने कपड़े लेकर गई, वो भी आधे अधूरे, आप हमारी अलमारी खोलेंगे तो उसमें आपको हमारी साड़ियाँ से लेकर के आधे सारे कपड़े पड़ेंगे, कुछ भी मैंने नहीं लेकर गई हूँ सिवाय अपने कपड़ों के। बातचीत काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि लंबी बातचीत करने का वजह भी था कि पूरे मामले को समझा जा सके, पूरी बातचीत को लेकर आपको क्या लग रहा है अब, क्योंकि प्रिंस उपाध्याय की और उनकी माँ की सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं, बहुत सारे चैनलों पर उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और परिस्थिति आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि आखिर कौन सा ऐसा सिचुएशन आया जिसको लेकर सुभाष यादव और सपना उपाध्याय को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा।